हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं किया सेल्टोस और महिंद्रा की एक्सयूवी 300 के बीच में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीजल मॉडल की कंपैरिजन, जहां हमने लिया है किया सेल्टोस का एसटीके प्लस मॉडल जिसकी कीमत है 12,54,000 रुपये, और हमने लिया है महिंद्रा XUV 300 का W8 ऑप्शन मॉडल जिसकी कीमत है 12,14,000 रुपया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी गाड़ी रहने वाली है आपके लिए सही, तो बनी रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले डिज़ाइन वाइज बात करें तो किया सेल्टोस 320 mm ज़्यादा लंबा है XUV 300 से और 18 mm ज़्यादा ऊँचा है XUV 300 में, और वहीं बात करें XUV 300 किया सेल्टोस से 21 mm ज़्यादा चौड़ा है। आपको यहाँ पर XUV 300 में कम कीमत होने के बावजूद आपको इलेक्ट्रिकली सनरूफ देखने को मिल जाता है, जबकि सेल्टोस में ये फीचर मिसिंग है। आपको किया सेल्टोस में ज़्यादा लंबाई होने की वजह से आपको 433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, और वहीं XUV की 300 में आपको 259 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। ये रहे इनकी डिज़ाइन। अब बात करें इंजन्स की, तो आपको किया सेल्टोस में 1.5 लीटर का K9 के डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। ये गाड़ी जनरेट करती है 113.4 bhp का पावर विद द टॉर्क ऑफ 250 न्यूटन मीटर। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें आपको महिंद्रा XUV 300 में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि जनरेट करता है 115 bhp का पावर विद द टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। ये गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और इसमें भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो इंजन्स की बात करें तो हाँ, दोनों इंजन लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा पावरफुल है XUV 300। बात करें यहाँ पर माइलेज की, तो पहले मैं आपको ये ARI वैल्यूज़ बता रहा हूँ। किया सेल्टोस में आपको 20.8 kmpl का माइलेज देखने को मिलता है, और वहीं आपको XUV 300 में 20 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको STK प्लस D मॉडल में देखने को मिलता है किया सेल्टोस के, और XUV 300 में आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अब बात करें कुछ फीचर्स के मामले में, तो पावर विंडो फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर XUV 300 में 2-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जबकि ये फीचर किया की सेल्टोस में मिसिंग है। किया सेल्टोस में आपको रियर एसी वेंट देखने को मिलता है, जबकि ये फीचर आपका XUV 300 में मिसिंग है। क्रूज कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। आपको नेविगेशन सिस्टम XUV 300 में देखने को मिलेगा, लेकिन सेल्टोस में मिसिंग है। स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री दोनों ही मॉडल्स में उपलब्ध है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर सेल्टोस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर XUV 300 में मिसिंग है। रिमोट ट्रंक ओपनर आपको XUV 300 में देखने को मिलता है, लेकिन सेल्टोस में मिसिंग है। वहीं बात करें आपको यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर XUV 300 में देखने को मिलता है, जबकि ये सेल्टोस में मिसिंग है। आपको 16 इंच के पहिए आपको यहाँ पर सेल्टोस में देखने को मिलेगा, और 17 इंच के पहिए आपको XUV 300 में देखने को मिलेगा। अब ये रहा कुछ फीचर्स। अब बात करें सेफ्टी के मामले में, मतलब कि जान है तो जहान है जिसे कहते हैं। तो सेफ्टी की नज़र से आपको दोनों ही गाड़ी में ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर और रियर कैमरास देखने को मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर रियर में आपको XUV 300 में देखने को मिलता है, और सेल्टोस में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताऊँगा सेफ्टी के मामले में, जो इन दो गाड़ियों में के बारे में आपकी आँखें खोल देगी। आपको यहाँ पर किया सेल्टोस के STK प्लस डी मॉडल में 12,54,000 का है जो उसमें आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, जबकि महिंद्रा XUV 300 के W8 ऑप्शन जिसकी कीमत है मात्र 12,14,000 रुपया, उसके अंदर आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत से बेहतरीन फीचर दे रहा है XUV 300, जो सेल्टोस महंगी होने के बावजूद में नहीं दे पाएगा। बात करें जैसे कि ब्रेक असिस्ट, कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ये इतने फीचर्स आपको XUV 300 दे देता है, और इसकी वजह से इस गाड़ी को मिले हैं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। यहाँ पर हम सेफ्टी वाइज बात करें तो 7 एयरबैग्स और बहुत बेहतर आपको सेफ्टी फीचर प्रोवाइड कर रहा है XUV 300। वहीं सेल्टोस की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा ले रहा है, लेकिन सिर्फ 2 एयरबैग्स, यहाँ पर कुछ हजम नहीं होता है। एटलीस्ट 6 एयरबैग्स डाल देता तो भी काफ़ी मुझे बेहतर तसल्ली मिल जाती। अब बात करें ऑन रोड प्राइसिंग की, तो आपके डिस्प्ले पे इसका ऑन रोड प्राइस दिख रहा होगा। और लास्ट में बात करें एंटरटेनमेंट के मामले में, मतलब कि यार गाड़ी चलाते हो तो मज़ा तो आना चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों गाड़ी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीकर सेल्टोस में दिए गए हैं और 4 स्पीकर XUV 300 में दिए गए हैं। अब ये कंपेरिजन हो चुका है कम्प्लीट।
आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि XUV 300 सस्ती होने के बावजूद आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है इसमें और ज़्यादा बेहतर सेफ्टी देखने को मिल जा रहा है और थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको XUV 300 ही दे रहा है। तो एटलीस्ट अगर हम इस कंपेयर के निर्णय पर आएँ तो यार अब लुक्स देखिए, लुक्स और इंटीरियर आपका मैटर है लेकिन अगर फीचर वाइज कंपेयर करूंगा तो मुझे XUV 300 ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर देगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो कंपेयर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।